आज अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखें खुल गई हैं। तुमने कोयल के साथ गेम खेली? अपनी सगी बेटी के साथ, जिसे तुमने पैदा किया, पाला, पोसा, दुनिया के साथ लड़ने का उसको साहस दिया, उसके साथ? धर्म और कोयल के रिश्ते के लिए तो मैं भी कोई खास रेडी नहीं, पर जिस तरह से तुम ये गेम खेल रही हो, साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम कितनी गलत हो और हमारी बेटी कितनी सही। क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं, भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है कि शक्ति ने सारी सच्चाई कोयल को बता दी और शिव व मनोरमा जी के यहां पहुंच गए उन्हें मनाने के लिए। तुम्हें तो लगता तुम ये भी गेम जीत गई? तुम ये गेम जीत जाती पर तुम्हें कभी ये दिखाई नहीं देता कि तुमने अपनी कोयल की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। जैसे तुमने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद की। अरे जेल में है वो, और वो अपनी गुनाहों की सजा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा होने की सजा काट रहा। कीर्तन ने जिंदगी भर वही किया जो तुमने उसे दिखाया। हमारे बच्चे अपने मां बाप के चरित्र का परछाई होते हैं। बच्चे वही करते हैं जो वो अपने मां बाप को करते देखते हैं। तुम उन दोनों के लिए बहुत बुरी एग्जाम्पल। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी है? जितनी बारी इसके बारे में सोचता हूं मुझे उतना ही दर्द होता है। एनीवेज मुझे अब इसके बारे में और कुछ बात नहीं करनी। मैं यहां एक बात कहने आया था कि कल कोयल की सगाई की फंक्शन है और आप उस फंक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे की जिंदगी तो आपने खराब कर ही दी पर अब मैं आपकी बुरी परछाई अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगा, समझी? कमल, कमल क्या कर रहे हैं आप? कमल प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज आप कमरा छोड़ के नहीं जा सकते। आप प्लीज यहीं पे रहिए प्लीज। मैं क्यों जाऊंगा? मैंने कौन सी गलती की है जो मैं अपने कमरे से बाहर निकलूंगा? बाहर वो निकलेगा जिसने गलती की है।